नमस्कार, मैं अरुण शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएन आई न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत चुनावी खबरों से। उत्तर प्रदेश के अलावा अगले साल कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है और गोवा में कांग्रेस की क्या कुछ स्थिति है, इस पर बात करेंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले ये तो देखा जा रहा है कि बहुत बड़े हद तक उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जीत दिखती नजर आ रही है, लेकिन गोवा में भी कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ी जीत मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर जीएफपीएफ पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन करने पर हामी जता दी है। और गोवा में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के साथ ये पार्टी नजर आ रही है, इससे कांग्रेस की स्थिति गोवा में बहुत हद तक मजबूत हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी चुनाव से पहले यह कोशिश कर रही है कि किसी एक राजनीतिक पार्टियों के साथ गठबंधन किया जाए। जैसे उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ये पूरी तरह कोशिश कर रही है कि बसपा के साथ गठबंधन किया जाए, तो वहीं गोवा में भी गठबंधन जो दिखता नजर आ रहा है, इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। हालांकि देखना होगा कि क्या गुजरात और उत्तराखंड में भी कांग्रेस गठबंधन करती नजर आएगी, लेकिन फिलहाल कांग्रेस पार्टी की स्थिति पहले के मुकाबले आज मजबूत हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि प्रियंका गांधी के उत्तर प्रदेश में आने से कई राज्यों में फर्क पड़ता नजर आ रहा है, यानी कि जो कांग्रेस एक ठंडे बस्ते में दिखती नजर आ रही थी, वही पार्टी आज बहुत बड़े हद तक मजबूत हो चुकी है, जिसका श्रेय प्रियंका गांधी को तो जाता ही है, इसके साथ ही साथ सोनिया और राहुल गांधी को भी जाता है और तमाम पार्टी कार्यकर्ताओं को जाता है। तो यहां पर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए बहुत बड़े हद तक काम किया जा रहा है। पार्टी जिस तरह मजबूत हो रही है, उसका सीधा फर्क चुनाव में दिखता जरूर नजर आएगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।